पहले पेट्रोल रिफिल करा लेते हैं, उसका चलते रहेंगे क्यों। अरे कार वॉश, पंकज भाई अब बताओ क्या बताऊं, बाल कैसे हो गए, पहले बाल तो ठीक है, हैंडसम लग रहा है एकदम। मैं गाँव यहाँ से ब्रह्मस्थली मंदिर है 8 किलोमीटर उसके पीछे वाली के पीछे जो वो है वो बेसिकली टेंपल वहाँ है। मतलब ये सारे पत्थर गिरे हुए हैं, ये पूरा जंगल जला हुआ था। मैं भी कितने लोगों ने मंदिर नहीं देखा, उनसे जब मैं पहली बार आया था यहाँ मैंने उनसे पूछा था कि मैं क्या था। ये यहाँ पे ब्रह्मस्थली का मेन जो बताया गया है ओम नीचे जाके मना 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 बाबा जी कुछ बताओ कब हुआ मंदिर का निर्माण। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। सो नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी बज रहे हैं आपके 6:30 और हमारा अभी इंस्टेंट प्रोग्राम बनाया है। हमारे ग्रुप मेंबर्स ने हमें बताया था कि एक ट्रैक करना है हमने ग्रुप में, तो मैंने बोला ओके आई विल बी कमिंग और मेरे साथ तुषार भी है। सो अभी हम जा रहे हैं सीधे मीटअप पॉइंट पे। मीटअप पॉइंट हमारा है कारगोदाम पेट्रोल पंप। सो अभी हम जा रहे हैं कारगोदाम पेट्रोल पंप और वहीं जाके आपसे मिलते हैं और सारे ग्रुप मेंबर्स से, और आपको बताते हैं कहाँ जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं। कैसे हो, भेड़ डाल लगा। एक चीज बताओ, जैकेट क्यों पहन के आए अभी बताओ। कैसे मैंने जैकेट पहनने होगा, जैकेट ही नहीं पहननी थी मेरे को। कोई बात नहीं, मैंने कहा था, तूने कहा था पहन के आऊंगा। मैंने आपने कहा था, आपने कहा था कि बोझा हो जाएगा और हमें ट्रैक करना था। इसमें भी तो गर्मी लगेगी ना। हाँ इसमें लगेगी, ये थोड़ी हवा नेटदार तो है इसलिए ले आया। और कैसे हो, बढ़िया भाई। पहले पेट्रोल रिफिल करा लेते हैं, उसका चलते रहेंगे क्यों। अरे कार वॉश, तो ऐसा है अभी हम यहाँ से निकल गए नैनीताल को। कार्तिक भाई मिले हैं हमें, हम दो ही अभी जा रहे हैं पीछे से, पंकज भी हमें ज्वाइन करेगा। फाइनली हम नैनीताल में एंटर हो चुके हैं। भैया कहाँ बता रहे हो आप, कहाँ जाने कह रहे हो। हमें जाना है पंगोट से कम 14 किलोमीटर आगे। वो काफ़ी अंदर है, जंगल है, प्रॉपर जंगल। अच्छा, जहाँ से चाइना पीक की लाइन है वहीं से जाना होगा। हाँ, उसी से सीधे आगे। अच्छा, तो अभी हमें बहुत 14 किलोमीटर और आगे जाना है। अभी हम पंकज का वेट कर रहे हैं। पंकज कह रहा था मैं आने वाला हूँ, एक बार उसको कॉल करते हैं। ठीक है, चलते हैं यहाँ से। यूपीए का वेट किया हमने, पंकज का आया नहीं हो अभी, आगे मिलेगा फिर हम मिलते हैं आगे। चलो कैसे हो पंकज भाई, बढ़िया तो भाई। अगर हम लेट हुए तो हम पहले कैसे आए, फोन भी नहीं करा, तो मेरा को सुबह से करो भाई। चलो तो फिर आगे को चलते हैं और जर्नी स्टार्ट करते हैं। अब आपका अभी टाइम हो रहा है 8:30 होने वाले हैं, आपका 8:25 हो चुका है। ये पंपोर्ट का रास्ता है, पंपोर्ट और आपका पंगोट का मेन पंगोट स्टार्ट होता है यहाँ पे से, और अभी हम जस्ट यहाँ पे पहुंचे। हम जा रहे हैं यहाँ से ब्रह्मस्थली ट्रैक, और अभी तक तो थोड़ा बहुत ठंडा, बहुत ज्यादा ठंडा लगा है, थोड़ा यहाँ धूप लगी है तो थोड़ा सा आराम सा मिला है। रास्ते भर में बहुत ठंडा था और कार्तिक दाने यहाँ पे लगा रखी सॉफ्ट।
शॉप पे रुका है यहाँ पे, चाय पियेंगे आगे को, फिर थोड़ा रिफ्रेशमेंट लेके चलते हैं। कैसा पंकज भाई? बस बढ़िया भाई, बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। राया दीदी ग्याला कॉटेज देख जा रहा है एक बार, कहाँ कहाँ बना रखे लोगों ने यार, पता कराओ तो कितने का बता। और यहाँ हमारे जाने माने हस्ती अच्छे फोटोग्राफर मिस्टर तुषार कपूर, थोड़ा सा वॉक किया, गर्मी वैसे लगी लेकिन मजा वैसे थोड़ा वॉक करके थोड़ा आनंद सा आ गया, अच्छा लग रहा है। अब रिफ्रेशमेंट लेते हैं, थोड़ा चाय वाय पीते हैं, खा ले जा, खा लेगा खा ले, ये नहीं खाएगा। पे जस्ट पहुंचे चौराहा है, एक जा रहा है आपका सौर गांव, यहाँ से ब्रह्मस्थली मंदिर है 8 किलोमीटर, कोटा बाग के लिए भी लेफ्ट को जाना है, 56 किलोमीटर रोड निकल चुकी है, और कुंजार खार करके एक रास्ता है वो भी ऊपर को जा रहा है, और हमें ऊपर को ही जाना है 8 किलोमीटर दूर ब्रह्म, उसके पीछे वाली के पीछे जो वो मंदिर है वो वहां टेंपल वहां है, जली हुई है काली, और ये पत्थर तब, ये वाला पत्थर तब नहीं गिरा था, ये फिर बाद में आया, मतलब ये सारे पत्थर गिरे, और अभी तो धुंध लगी है, अगर ये धुंध हट जाती है तो फिर उस साइड बहुत बढ़िया पूरा 170 डिग्री हिमालय का व्यू आता है। अभी जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ तो और मज़ा आएगा। तो अभी जिस रास्ते से आए हम वो बेसिकली वो है नीचे रोड वाला, आते हैं एक उस पे और एक उधर पे, रात को उधर बहुत सारे लोगों ने कैंपिंग कर रखी है। तो फाइनली यहाँ पे हम बैठे यार, बहुत रिलैक्सिंग लगा यहाँ पे, बहुत अच्छा रहा, और फोटोज़ खींचने में भी यहाँ पे बहुत अच्छी फोटोज़ आ रही है, वीडियोज़ आ रही है। तो यार यहाँ का आना और यहाँ का एक्सप्लोर करना मेरे को तो बहुत अच्छा लगा यार, आज यहाँ आके, और भैया ने यहाँ पहले भी एक्सप्लोर किया हुआ था जब बहुत टाइम पहले, 1 साल पहले ना भैया, हाँ 1 साल पहले लॉकडाउन के टाइम पे। तो यार ऐसी बहुत जगह हैं जो भैया को भी पता है, तो धीरे धीरे करके एक्सप्लोर करेंगे, जाएंगे ट्रैक करेंगे बहुत बढ़िया वाला, तो वहाँ से और अच्छा व्यू आएगा। ओके, सिर्फ 10 मिनट हो चुके हैं और हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, यहाँ पे मंदिर का बोर्ड है, यहाँ से ट्रैक है, और यहाँ दोनों जनों को देखो, इन लोगों ने हेलमेट बैग के पीछे लटका रखे हैं, और अब हम सीधे यहाँ से ट्रैक करेंगे। यहाँ से कितना लंबा ट्रैक है कार्तिक दा? 4 किलोमीटर। हाँ मैंने जेब में रख ली है, तो यहाँ पंकज दा भी रेडी है। कम टू बायोडाइवर्सिटी ट्रेल, नंदा देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन आता है ये एरिया बर्ड सेंचुरी को, और यहाँ पे 140 प्रकार की प्रजातियाँ हैं बर्ड्स की, और यहाँ ज़्यादातर फोटोग्राफर्स आके अपने एक्सप्लोर करते हैं और फोटोज लेते हैं। पढ़ाई तो यार यहाँ की ट्रैक तो बहुत ही बढ़ते जा रहे हैं, और ये व्यू देखिए जरा आप, हमें कहाँ चढ़ रहे हैं। कार्तिक भाई, आइंस्टाइन, वो बनना चाहते हैं न्यूटन। सो यहाँ से व्यू दिखा रहे हैं, ओ भाई अल्टीमेट। अभी हमें और जाना ऊपर को, और ये रास्ता पूरा पहाड़ी, हाँ पार करके दूसरी पहाड़ी, ये पहाड़ी पार करके दूसरी पहाड़ी, मतलब ये वाला पेड़ कितना प्यारा लग रहा है बीच में फूल वाला। वाओ, ट्रैक दोबारा जारी करते चलो। शाबाश, हम अभी तक प्रोबेबली 500 मीटर्स चढ़े हैं, और ट्रैक बहुत अमेजिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग, जैसे कि आप देख सकते हो हम चल ही रहे हैं, और ये लोग आगे को बढ़ चुके हैं। अच्छी जगह आ रहा हूँ, और थकान अच्छा थकान लग रही, लग रही है बहुत बढ़िया लग रही है, लेकिन मज़ा ही बहुत आ रहा है। थकान इतनी लग गई है, अभी हमने सिर्फ थोड़ा ही चले हैं, अभी हमें चलना है 1-2 किलोमीटर और, तो मैं अब आपको वहीं जाके स्पॉट पे जाके ही आपको मैं दिखाऊंगा, अभी पूरा ये कवर करना है। आप रास्ता देख सकते हो कैसा रास्ता है, बहुत ही खतरनाक ट्रैक है, और यहाँ से नीचे इधर को आप व्यू देखिए जरा अल्टीमेट। तो अभी हम ऊपर को चलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और अब मैं ऐसा है वहीं जाके वीडियोग्राफी करूँगा, वहीं जाके शॉर्ट्स लूँगा, सो आप वहीं जाके देखिएगा, और आपको वहीं जाके मिलते हैं, तो बने रहिए। जा रहा हूँ, जो यूपी ग्रुप का मेंबर नहीं आया है वो आज बहुत रोएगा, कहेगा इतना बढ़िया व्यू मिस कर दिया। पता कि ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं है, इवन नैनीताल के लोगों ने भी, कितने लोगों ने मंदिर नहीं देखा। उनसे जब मैं पहली बार आया था यहाँ, मैंने उनसे पूछा था कि ब्रह्मस्थली का रास्ता कहाँ से, तो वो खुद कंफ्यूज हुए थे कि ऐसा भी कोई मंदिर है यहाँ पे। ओके, तो मतलब यहाँ ज़्यादातर लोग पता ही नहीं है। नहीं पता है, और यहाँ पर जो बाबा जी रहते हैं उनसे पूछना, वो आपको सारी कहानी बताएंगे यहाँ के मंदिर की। ओके, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, वो यहीं रहते हैं। और यहाँ पे एक बाबा जी हैं जो पूरी उनको यहाँ की हिस्ट्री पता है, जो बता रहे हैं कि ये मंदिर किस हिसाब से है, यहाँ कब से है। तो चलो आगे जाते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं उनसे। और वहाँ पे लगभग रोज ही आता है बाघ।
और बहुत पीक पे है वो मंदिर। और यहाँ पे भी क्या कह रहा था, बाघ आता है? यहाँ पर भी बाघ आता है, मतलब बहुत लोगों ने बताया, जितने भी लोग आए हैं, इवन बाबा जी ने भी कहा है मंदिर में बाघ आपको देखने को मिलता है। इधर के यहाँ मेन द्वार पे पहुँच चुके हैं, यहाँ पे बाबा जी हैं जो रहते हैं, उनका ये कुटिया यहाँ पे, और वही रहता है और कोई नहीं रहता है। और ये है यहाँ की सीढ़ियाँ। फ्रेग्रेंस आ रही है यहाँ पे, आप देखो जरा एक बार। लोगों ने सोचा ही नहीं होगा कि इतने हाइट पे कोई मंदिर होगा। कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अमेजिंग व्यू आ रहा है, बहुत ही रिस्ट्रेस रिलैक्सिंग, और यहाँ आके शांति मिलने का है। आएगी भाई मंदिर में आए हो, मैं कहता हूँ यहाँ पे ब्रह्मस्थली का मेन जो बताया गया है, ओम श्री विनायक एवं वीणा वादिनी सरस्वती नमः, ये तो कुछ संस्कृत भाषा में लिखा है। ब्रह्म नोटिस किया है, ये यहाँ पे बीच में हनुमान का भी है यार, हनुमान का भी मंदिर है, का भी है मंदिर, अगरबत्ती जलाइए। अभी यहाँ आए थे कुछ श्रद्धालु लोग, यहाँ पे सारे लोग प्रिपेयर हो गए हैं जाने के लिए, आधा घंटा यहाँ रुके, फोटोज खींची और व्लॉग बनाया, और अब यहाँ से चल रहे हैं बाहर को। और मेरे उसमें अब ज्यादा बैटरी नहीं है, तो मैं थोड़े बहुत शॉर्ट्स बनाऊंगा जहाँ बनाया। एक बाबा जी है, देखिए यहाँ पे उनकी मूर्ति है, यहाँ 50 साल है 60 साल पहले रहते होंगे, जो बनाई हुई है आप देख सकते हैं, उन्हीं की मूर्ति है, और ऊपर उनकी फोटो भी लगी, उनकी मूर्ति बना के उनकी याद में यहाँ पे स्थापित कर दी गई है। जब ये बना होगा मंदिर तो यहाँ रहते होंगे उस टाइम पे। हाँ। ये तुषार कहाँ चल रहा है? तो भाई हमारे ऊपर आ जा रहे, आज ये कार्तिक भाई हमारे। बाबा जी कुछ बताओ कब हुआ मंदिर का निर्माण? बहुत पुराना, फिर भी कितना 13वीं सदी का है इसका। कुछ है नहीं, बाबा जी ये था। अरे बैठ जाओ आप, बताइए सही है, बढ़िया हो रहा सब, हलवानी आके बैठ गए, सारा पहाड़ हलवानी आके बैठ गए। हम यहाँ बाबा जी से बात कर रहे हैं और बैठे हैं, तो बाबा जी हमारे लिए यहाँ पे चाय तैयार कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं यहाँ पे अगर कोई भी यहाँ आता है पंगोट साइड को, तो बाबा जी की चाय करके फेमस है यहाँ पे, और आके यहाँ पे जरूर ग्रहण करता है, पीता है। तो अभी ऐसा है, यहाँ बाबा जी चाय प्रिपेयर कर रहे हैं, हम लोग यहाँ चाय ग्रहण करेंगे, पियेंगे, फिर उसके बाद सीधे जाते हैं। और ऐसा है, मेरे मोबाइल में अब बैटरी ही खत्म होने वाली है, तो अब मैं यहाँ पे इसको एक्सपीरियंस लिया है। होप करता हूँ आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। हमने वहाँ बाबा जी से भी मिले, हम वहाँ एक्सप्लोर किया, हमने वहाँ दर्शन करे टेंपल में, तो मेरे को तो आज बहुत 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 मज़ा आया, क्योंकि वहाँ का व्यू और सब चीज़ बहुत अमेजिंग था। लेकिन हमारे साथ एक इंसिडेंट हो गया छोटा सा, हमारी गाड़ी के शीशे वहाँ पे चोरी हो गए, एक कार्तिक भैया और एक मेरे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी आप ऐसी जगह जाएँ तो सेफली जाएँ, सिक्योरली जाएँ, और अपने सामान की खुद जिम्मेदारी लें। तो आखिर में बस यही बोलूँगा कि मेरा जो ये ब्लॉग था मुझे बहुत पसंद आया, और मेरे को आज का एक्सपीरियंस इतना अमेजिंग लगा कि होप करता हूँ आपको भी ये सब पसंद आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर बने तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें आसू ब्लॉग्स। थैंक यू। मैं भी ऊपर को जा रहा हूँ, ये लोग चले गए। कपूर कपूर काली नहीं यार, इट्स एन ऑनर दैट आई एम प्रिविलेजिंग यू, प्रिविलेजिंग यू, प्रिविलेजिंग यू, प्रिविलेजिंग यू। पहले इनकी इंग्लिश थी नहीं, अब वो